नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे शिवरात्रि के दिन संतान प्राप्ति के लिए ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे हमारे संतान प्राप्ति की इच्छा पूर्ण हो सके। अब शुरू करते हैं। पहला उपाय, भोलेनाथ जी को हम तरह तरह की चीज़ों से अभिषेक करते हैं, परंतु संतान प्राप्ति के लिए आप गाय के कच्चे दूध से भगवान शिव जी भोलेनाथ जी का अभिषेक करें। पाए अगर पति पत्नी मिलकर करें तो अति उत्तम है। अगर किसी कारणवश दोनों मिलकर नहीं कर सकते तो अकेली पत्नी भी कर सकती है और पति भी कर सकते हैं। ये पाए आपने मंदिर में ही करना है। सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहनें और उसके बाद पूजा के लिए आप थाली तैयार करें। उसमें जो भगवान शिव जी भोलेनाथ जी को चीज़ें अर्पित होती हैं वो थाली में रखें और मंदिर जाएं। मंदिर जाकर आप भगवान शिव जी भोलेनाथ जी का गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करें, पूजा अर्चना करें, जो चीज़ें लेकर गए हैं वो चीज़ें आप अर्पित करें। ये उपाय आप हो सके तो पति पत्नी मिलकर ही करें। अगर आप गाय के कच्चे दूध से शिवलिंग का अभिषेक करेंगे तो आपको जल्दी ही संतान की प्राप्ति होगी। और दूध आपने कच्चा ही लेकर जाना है, उबला हुआ दूध नहीं लेकर जाना है। अगर आप कच्चे दूध से अभिषेक करेंगे तो संतान की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। दूसरा उपाय आप घर पर ही कर सकते हैं। दूसरा उपाय में आपने करना क्या है, आपने शुद्ध आटा लेना है। शुद्ध आटा आप बाज़ार से लेकर आएँ। जो आपके घर पर आटा है उस आटे में से ये उपाय को ना करें। आप शुद्ध आटा बाज़ार से लेकर आएँ, उस आटे से आपने 11 शिवलिंग बनाने हैं। शिवलिंग आपने ज़्यादा बड़े तैयार नहीं करने हैं, शिवलिंग करने हैं, क्योंकि घर में शिवलिंग छोटा ही रखा जाता है। शिवलिंग की लंबाई हमारे हाथ के अंगूठे के ऊपर वाले पोर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इतने बड़े ही शिवलिंग आपने 11 बनाने हैं और उनकी विधिवत पूजा करनी है। शिवरात्रि के दिन आप इन आटे के 11 शिवलिंग की पूजा करेंगे, अभिषेक करेंगे। अभिषेक आपने गाय के कच्चे दूध से करना है। अगर आप गाय के कच्चे दूध से अभिषेक नहीं कर सकते तो पंचरात से भी अभिषेक कर सकते हैं। ये उपाय भी आप पति पत्नी दोनों मिलकर ही करें। अगर किसी कारणवश दोनों मिलकर नहीं कर सकते तो पत्नी अकेले भी कर सकती है और पति भी अकेला कर सकता है। रात्रि के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहनें। उसके बाद भगवान शिव जी भोलेनाथ की जो भी प्रिय वस्तुएँ आपको मिल जाएं वो लेना आपने। जैसे सफ़ेद आंकड़े के फूल, बेलपत्र, सफ़ेद चंदन और भोग के लिए भी कुछ लेना है और धूप दीप दिखाएं। इस तरह आपने 11 आटे के शिवलिंग की पूजा अर्चना करनी है। 11 आटे के शिवलिंग की विधिवत पूजा आपने शिवरात्रि के दिन ही करनी है। जब आप शिवलिंग का अभिषेक करेंगे और अपनी कामना मन में रखते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें, अगले दिन फिर आपने शिवलिंग का पूजन विधिवत करना है। उसके बाद आपने शिवलिंग को विसर्जित करना है। अगर आप जल प्रवाह नहीं कर सकते तो आप घर में गमले में भी विसर्जन कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। तीसरा उपाय, भगवान शिव को धतूरा बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। भगवान शिव जी भोलेनाथ जी धतूरे को अर्पित करने से बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए आप धतूरे का फल अवश्य अर्पित करें। ऐसा करने से आपको संतान की प्राप्ति होगी और आपको भगवान शिव जी भोलेनाथ जी पुत्र प्राप्ति का वरदान देंगे। ये उपाय भी आपने शिवरात्रि के दिन ही करना है। अगर आप ये उपाय शिवरात्रि के दिन ना कर पाएँ किसी कारणवश तो आप ये उपाय सावन में भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।